आओ साथ चले सुनहरे कल की ओर। हरा भरा और चहल पहल वाला ये गांव है जगतपुर। हमारे देश की तरह जगतपुर भी कृषि प्रधान गांव है और भारत के अन्य गांवों में रहने वाले किसान भाइयों की तरह ही जगतपुर के किसान भी बहुत मेहनती हैं। आइए आपको यहाँ के कुछ किसानों से मिलवाते हैं। ये है तुकाराम, जो उन्नत खेती करके आज काफी समृद्ध है। और ये रहा मंगेश जी का घर। अरे यहाँ तो गोष्ठी जमी है। ये रहे मंगेश जी, ये जहीर और ये उमेश। ये सभी किसान हैं और जगतपुर में ही रहते हैं। आइए सुनते हैं इनके बीच क्या चर्चा चल रही है। नमस्कार भाऊ। नमस्कार। नमस्कार। बैठो बैठो। और क्या चल रहा है? अरे क्या बताऊं भाऊ, हर बार इतनी मेहनत करता हूँ, खेत में उर्वरक डालने में कोई कमी नहीं छोड़ता, पर साल दर साल उपज से होने वाली आय कम होती जा रही है और लागत बढ़ती जा रही है। ऐसा ही रहा तो पता नहीं क्या होगा। लागत की तो पूछो मत भाऊ, आप सब तो जानते हैं कि मैं गेहूं उगाता हूं। बार बार उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक का छिड़काव कराने में मजूरी का खर्च इतना बढ़ जाता है कि क्या बताऊं। सही बात कह रहे हो भाऊ, सिर्फ मजदूरी और उर्वरक पे बढ़ रहे खर्च की बात ही नहीं है, सब कुछ करने पर भी मेरी गन्ने की फसल साल दर साल खराब ही होती जा रही है। उपज में भी कमी आती जा रही है और गन्ने की गुणवत्ता वो भी अच्छी नहीं रहती, जिससे कीमत भी अच्छी नहीं मिलती। तुकाराम जी, आप तो आधुनिक तौर तरीके से खेती करते हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी। तुकाराम भाऊ, आप तो ग्रीन हाउस में अगेती फसल उगाते हो और कई प्रकार की नकदी फसल उगाते हो, आपको तो फसल की अच्छी कीमत मिलती होगी। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं हूँ, उर्वरक और मजदूरी की बढ़ती लागत से मैं भी मुश्किल में हूँ। और सच बताऊं तो ये समस्या सिर्फ हम चार लोगों या जगतपुर के किसानों की ही नहीं है, बल्कि देश भर का किसान इन समस्याओं से जूझ रहा है। पर तुकाराम भाऊ, कोई तो उपाय होगा जिसे मजदूरी और उर्वरक पर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करना पड़े और साथ ही उपज की मात्रा और गुणवत्ता में भी सुधार आ जाए। कोई तो उपाय होगा ही। मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर कुलकर्णी को सलाह देने के लिए अपने गांव बुला लाऊं। ये डॉक्टर कुलकर्णी जी कौन है? वो एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक है, जो RCF के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक प्रशिक्षक बनकर आए थे। मेरी उनसे वही नागपुर में मुलाकात हुई थी। अरे भाई, उनसे ही सीख कर मैंने ग्रीन हाउस में खेती करना शुरू किया है। डॉक्टर कुलकर्णी जरूर कोई ना कोई राह सुझाएंगे। अच्छा सोचा तुमने, ये ठीक रहेगा। हाँ तुकाराम भाऊ, तो आप ही डॉक्टर साहब को बुला लाओ ना। ठीक है भाई, जैसा आप लोग ठीक समझे। तुकाराम अगले दिन डॉक्टर कुलकर्णी को फोन लगाते हैं और अपने गांव में आने के लिए आमंत्रित करते हैं और डॉक्टर कुलकर्णी मान जाते हैं। निर्धारित दिन डॉक्टर कुलकर्णी गांव में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए। धन्यवाद। अरे जी शुक्रिया। तेजस्विनी जी, आप तुकाराम का खेती के काम में हाथ बटाती हैं या नहीं? जी डॉक्टर साहब, मैंने इनसे गेंदे की खेती के सारे तरीके सीख लिए हैं। डॉक्टर साहब, तेजस्विनी के लगाए हुए गेंदे के फूल इस बार बहुत अच्छे आए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाबाश तेजस्विनी जी, जिस तरह आप सरपंच होने के साथ साथ खेती के काम में भी हाथ बटाती हैं, उसी तरह गांव की बाकी महिलाएं भी घर के साथ साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगे तो घर, गांव और देश की तरक्की बहुत जल्दी होगी, है ना? जी डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। तुकाराम जी, मीटिंग की जगह पर चलते हैं, समय हो गया। जी हाँ, चलिए आइए। आज की इस किसान गोष्ठी के अतिथि डॉक्टर कुलकर्णी साहब, RCF के मिस्टर दामोदर साहब, मेरे किसान भाइयों और साथियों, आप सभी के लिए राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कोई नया नाम नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि RCF पिछले 40 वर्षों से विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले कृषि उर्वरकों को बनाकर
किसान भाइयों की फसल को बढ़ाने में मदद करता आया है। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। मैंने भी इनके उत्पाद इस्तेमाल किए हैं, अगर आरसेप के हैं तो सबसे उत्तम है। बिल्कुल सही कहा। आज की ये किसान गोष्ठी भी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा ही आयोजित की गई है। पंचायत की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों के मन में अपनी खेती के तरीकों को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप लोग डॉक्टर साहब से बेझिझक पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बराबर जमीन में अपनी पूरी ताकत से मेहनत करके क्यों किसी एक किसान भाई की जमीन फसल से लहलहा उठती है और दूसरे किसान भाई की जमीन कम पैदावार करके उसे कंगाल बना देती है। वाकई बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं इसी बात को समझाने आज आप लोगों के बीच आया हूं। हर किसान की इच्छा होती है कि उसकी जमीन सोना उगले, लेकिन इसके लिए तीन बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहली, जमीन की जरूरत। दूसरी, सही खाद का चुनाव। और तीसरी, खेती की सही तकनीक का इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, जमीन की क्या जरूरत होती है? आप इसे यूं भी समझ सकते हैं, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व अन्य खनिज पदार्थों की जरूरत होती है, जो हमें अनाज, दाल, घी, फल व सब्जियों से मिलते हैं, उसी तरह से पौधों को भी स्वस्थ रहने के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, ये 16 पोषक तत्व क्या है? जी हाँ, इनमें तीन पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति पौधों को हवा और पानी से होती है। बाकी के 13 पोषक तत्वों की पूर्ति भूमि से होती है। इसमें हर उर्वरक का विभिन्न पोषक तत्व उपलब्ध कराने का अपना विशेष काम है। डॉक्टर साहब, मैं खेत में यूरिया डालता हूँ, इससे कितने तरह का पोषण तत्व मिल जाता है? अगर आप केवल यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में नाइट्रोजन की कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन बाकी आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में पौधे आवश्यक तत्वों की पूर्ति जमीन में मौजूद उनकी मात्रा का बराबर हनन करके करते हैं, जिससे भूमि एक तरह से बीमार होने लगती है और उत्पाद क्षमता भी कम हो जाती है। अच्छा, तो ये कारण है कम पैदावार होने का। लेकिन क्या हमें 13 तत्वों के लिए 13 उर्वरक इस्तेमाल करने होंगे? अरे नहीं, सोच समझ कर उर्वरक लाना होगा। वास्तव में आजकल की स्थिति में देखा गया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और गंधक की कमी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इनका इस्तेमाल भी ज्यादा होता है। सो हमें आवश्यकता के अनुसार तो इनका इस्तेमाल करना ही होगा, साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी आवश्यकता के अनुसार खेत में डालना होगा। पर डॉक्टर साहब, हमारे बुजुर्गों के जमाने में तो कोई इतना नहीं करता था। देखो भाई, मुनाफा देने वाली टिकाऊ कृषि एक लगातार विकासशील प्रक्रिया है। समय के अनुसार खेती के तौर तरीके, फसल के प्रकार और उर्वरक की जरूरतें बदलती रहती हैं। ये बात तो ठीक है साहब, पर परेशानी ज्यादा बढ़ती जा रही है। खेती में बढ़ती लागत और जमीन में पोषक तत्वों में आती जा रही भारी कमी सिर्फ किसान भाइयों के लिए नहीं, बल्कि समूची मानव सभ्यता के लिए चिंता का कारण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पे समस्या और भी बड़ी है। एक और किसान भाइयों की समृद्धि और दूसरी ओर देश की खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? यूरिया के जरूरत से अधिक उपयोग की वजह से कृषि योग्य जमीनों में पोषक तत्वों का जो असंतुलन पैदा हो गया है, उसका सुधार करते हुए समन्वित पोषण करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, समन्वित पोषण की बात तो सही है आपकी, पर ऐसा उर्वरक कहाँ मिलेगा? इसकी चिंता आप मत कीजिएगा, जमीन के संतुलित और समन्वित पोषण की दिशा में कारगर उर्वरक उपलब्ध करवाने में RCF अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके 3 वैल्यू एडेड यानी मूल्य संवर्धक सुजला, माइक्रोला और बायोला किसानों की जरूरत के प्रति RCF द्वारा संवेदनशीलता और सजगता के ज्वलंत उदाहरण है। तो क्या RCF ऐसा उर्वरक भी बनाती है जिसमें एक ही उर्वरक डालो तो कई सारे पोषक तत्व मिल जाएं? बिल्कुल, RCF का उर्वरक सुजला दरअसल 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का पानी में घुलनशील मिश्रण है। अपनी घुलनशीलता की वजह से यह ज्यादा असरदार और अधिक फायदेमंद है। इसका उपयोग किसान आसानी से ड्रिप सिंचाई या छिड़काव की मार्फत कर सकते हैं। मतलब सुजला का उपयोग करने से साहब मेरी मजूरी की लागत तो काफी कम हो जाएगी। हाँ, सुजला के साथ ही साथ और भी बहुत फायदे हैं। एक तो मजदूरी में होने वाली लागत में कमी होती है और दूसरा उर्वरक छिड़कने से होने वाली क्षति से पौधों को बचाव होता है। और संतुलित मात्रा में 3 पोषक तत्व मिलाने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। वाह,
पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। सुजला में मौजूद पोषक तत्व जल में पूरी तरह से घुलकर जड़ों के करीब पहुंच जाते हैं और फसल को लाभ पहुंचाते हैं, और साथ ही मिट्टी की संरचना को भी नुकसान नहीं होता, जो आमतौर पर अघुलनशील उर्वरक के रासायनिक पदार्थों के जमीन की सतह पर रह जाने से होता है। ये तो बड़े फायदे की बात है। हाँ तो कह रहा हूँ, इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश के साथ साथ सुजला में अन्य उपयोगी तत्व जैसे सल्फर और मैग्नीशियम भी उपलब्ध है, जिससे इसका फायदा और भी बढ़ जाता है। मतलब सुजला मुख्य पोषक तत्वों की जरूरत के लिए संपूर्ण उर्वरक है। मिट्टी में भी तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, उसके लिए कोई अच्छा सा उपाय? बहुत अच्छा सवाल किए तेजस्वी, और इसका जवाब है RCF का माइक्रोला। माइक्रोला साहब ये क्या है? माइक्रोला एक अनूठा उत्पाद है जो जमीन को अच्छी फसल के लिए निहायत जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। ये एक तरल उर्वरक है जो अलग अलग राज्यों की मिट्टी को ध्यान में रखकर खास तौर से बनाया जाता है। अलग राज्य की मिट्टी के अनुसार, यानी अलग अलग राज्य के लिए माइक्रोला को अलग अलग अनुपात और मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ बनाया जाता है। माइक्रोला में 6 अत्यंत सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण है जो अलग अलग राज्यों की मिट्टी में आई कमी को पूरा करता है। साथ ही माइक्रोला ने उपज घटने की समस्या पर पूरी तरह से काबू पाना भी संभव कर दिया है। यही तो मेरी भी समस्या है डॉक्टर साहब, माइक्रोला के क्या क्या फायदे? इसके कई फायदे हैं। इसके इस्तेमाल की वजह से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का असर अधिक होता है, और साथ ही साथ फसल में बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। फसल के पत्ते, फूल, फल, बीज की गुणवत्ता, आकार और स्वाद में सुधार आता है और फसल में बढ़ोतरी होती है। यानी संक्षेप में कहें तो माइक्रोला के इस्तेमाल करने से रोग मुक्त और अच्छे पौधे मिलते हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता और अधिक मात्रा में उपज मिलती है। वाह तेजस्विनी भाभी, आपने कितने अच्छे तरीके से एक ही लाइन में सब बता दिया। एक लाइन में तुम्हारी समस्या का हल हो गया ना। अब माइक्रोला के इस्तेमाल से तुम्हारे गन्ने की मिठास भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। मैंने अपने गन्नों के खेतों में बाजार में उपलब्ध अन्य सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति करने वाले उत्पादों का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन जब से मैंने RCF का माइक्रोला इस्तेमाल किया है तब से मेरे खेतों में उत्पादन भी बढ़ा है और जिंदगी में मिठास भी आई। डॉक्टर साहब, बायो फर्टिलाइजर के बारे में भी हमारे गांव वाले आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, मिट्टी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो जमीन की संरचना को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, लेकिन असंतुलित उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल की वजह से ये बैक्टीरिया कम हो रहे हैं। तो इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर में मिट्टी में रहने वाले फसल के दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से इसका समाधान होता है। साहब, कौन सा बायो फर्टिलाइजर बढ़िया रहेगा? RCF का बायोला। बायोला दरअसल एक बहु उपयोगी बायो फर्टिलाइजर है जो जमीन में मौजूद फॉस्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध करवाता है। इसके उपयोग से बीजों का अंकुरण जल्दी और आसानी से होता है, इससे जड़ें भी जल्दी बनती हैं। वाह, फिर तो फसल की जड़ें भी अच्छी जमती होंगी। और साथ ही फसल में कीटरोधी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बायोला के इस्तेमाल से पैदावार भी बढ़ती है। खर्च ज्यादा तो नहीं होता? उल्टे बायोला पर मामूली सा खर्च करके फॉस्फेट उर्वरक पर होने वाले खर्च में कटौती होती है। इसके अलावा बायोला में जो पौधों के मददगार बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया के कार्बनिक अम्ल के निष्कासन से मिट्टी की संरचना बेहतर होती है और उसरपन भी कम होता है। बायो फर्टिलाइजर्स जो फसल के लिए भी उपयोगी है और खेत की मजबूती के लिए भी। हाँ, तभी तो किसानों के हित के लिए RCF द्वारा एजोटोबैक्टर और राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर जल्द उपलब्ध करवाने की योजना है। डॉक्टर कुलकर्णी और दामोदर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपके द्वारा दी हुई जानकारी का लाभ हम सब जरूर उठाएंगे और एक साथ आगे चलेंगे सुनहरे कल की ओर। नई उम्मीद जगी और खुशी मिली, जान गए कई बातें भली, गाँव गाँव है लहर चली, झूमते हैं खेत और गाती गली गाती गली। समृद्धि में देश हो सबसे पहला,
सुजला माइकोला और बायोला लेकर है आए कल सुनहरा फसल होगी पुरजोर माटी ना पड़ेगी कमजोर नया सवेरा हमें पुकारे आओ साथ चलें सुनहरे कल की ओर सुनहरे कल की ओर।